साथ बच्चों हम कक्षा दसवीं का हिंदी पढ़ रहे हैं। श्री भागवत का विखंड, इसमें देव है उसके आज हम प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देव में सवैया और कवित्व पढ़े थे। इसमें देव का जीवन परिचय और सवैया और कवित्व का व्याख्या देखी थी। आज हम इसी में आगे उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, देखेंगे सबसे पहले कि देव कैसे कवि हैं। छायावादी, दरबारी, आशावादी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है कि देव दरबारी कवि है। फिर दूसरा, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है। सुधा मंदिर, देव मंदिर, सौंदर्य महल या कोई नहीं। तो उत्तर है कि कवि ने चांदनी की कल्पना सुधा मंदिर के रूप में की। फिर प्रश्न की किसके जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। उत्तर है बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की और तारों की। तो इसका उत्तर है कि तारों की जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। फिर है कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है। उत्तर है कि कृष्ण को दूल्हे की भांति सजा धजा दिखाया गया। अब है प्रश्न कि कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है। उत्तर है कृष्ण के चरणों में नूपुर सुशोभित है। फिर अगला प्रश्न है कि कृष्ण कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो उत्तर है कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। फिर प्रश्न की किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं। तो इसका उत्तर है कि कृष्ण की आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई हैं। फिर है कि कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं। तो कृष्ण कमर में करधनी पहने हुए हैं। अब है आगे का प्रश्न, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है कि आकाश चांदनी रात में आकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। फिर है कि कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन किन रूपों में देखा है। पहला है आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में या सभी। तो इसका उत्तर है सभी। आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, चांदनी रात की सुंदरता को इन रूपों में देखा है। फिर अब प्रश्न कि कवि ने ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो कवि ने श्री ब्रज दूल्हा शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त, तो ब्रज दूल्हा शब्द किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है क्योंकि उनके कारण ही ब्रज में शोभा है। श्री कृष्ण है तो ब्रज भी शोभायमान है, उसमें उल्लास भरा हुआ है, इसीलिए कवि ने उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक माना। क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में दीपक प्रकाश भर देता है, उसी प्रकार विश्व में श्री कृष्ण प्रकाश भर रहे हैं। फिर है प्रश्न दूसरा कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार किसमें प्रयोग हुआ है, छठी पंक्ति के ध्वनि की मधुराई, इसमें का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार। दूसरा है दीर्घ से वर्तमान सुहाई या
ऐसी चंद जुटाई जिसमें जो मुख है उसको क्या है चंद्रमा के समान उसको माना गया है। मुख चंद्र जुटाई मतलब मुख कैसा है चंद्रमा के समान है। उससे दूसरा जय जग मंदिर दीपक सुंदर मतलब जग रूपी मंदिर का दीपक, दीपक कैसा है जग रूपी मंदिर के समान। फिर आगे प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई सावरे अंग लसे पीठ दिए हुनसे वन मार्ग सुनाई। इसका हमने अभी व्याख्या भी देखी थी पिछली क्लास में। इसका भाव है पिछली कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल अति सुंदर लग रही कमर में बनी चंदन की मधुर ध्वनि प्रिय लग रही है। उनके सावरे रंग पर पीला वस्त्र सुशोभित और उनके हृदय पर वन फूलों की जो माला है वह बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है, बहुत ही अधिक शोभा पा रही है। अब इसमें काव्य शिल्प है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, छवैया और संत का भी महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है। नुपुर और किंकनी में नाम सुंदर, नाम सुंदर मतलब पायल और करधनी की मधुर आवाज आ रही है। फिर कटे किंकनी की पटपीत और भी हंसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इनमें कटे किंकनी में का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पटपीत में भी पा शब्द बार बार आ रहा है और हिंद हंसे में भी हा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसका बार बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार। फिर प्रश्न की दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि इंद्रार बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है कि ऋतुराज बसंत के परंपरागत वर्णन में बसंत के आगमन पर नायक और नायिका की हृदय में जो स्पंदन होने लगता है और बसंत उसमें उद्दीपन का कार्य करता है। कवि देव द्वारा रचित प्रस्तुत में बसंत को स्नेह के प्रति शिशु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो कि अपने आप में अनूठा होता है। यहाँ पर बसंत को एक नवजात शिशु के समान मानकर कवि ने इसकी रचना की। जहाँ पर बसंत के लिए बालों का पलना कोमल पत्रों का बिछोना और पक्षियों द्वारा शिशु को प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते हैं, नायिका द्वारा शिशु की नजर उतारना गुलाब द्वारा चुटकी बजाकर उसे जगाना ये कवि की मौलिक सोच को दर्शाता है। यहाँ पर नायक नायिका के कहने की गाथा न होकर बालक के प्रदर्शन की गाथा है। यहाँ पर बालक के प्रति बसंत के आगमन का वर्णन किया गया है। अब ये प्रश्न कि प्रातः ही जगावट गुलाब चटकावी दे इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि सुबह होने पर ही गुलाब का पुष्प खिलता है और कवि की कल्पना में गुलाब खिलकर यह चटक अपनी चटकने की ध्वनि से शिशु बसंत को जगा रहा है। यह बहुत ही सुंदर कल्पना है। यहाँ पर गुलाब के पुष्प का मानवीकरण किया गया है, जैसे कि गुलाब एक बच्चे को बसंत रूपी बालक को जगा रहा है। फिर प्रश्न की चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा। तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने इस स्फटिक शिलाओं से बने मंदिरों के रूप में देखा है, फिर दही के सागर के रूप में उमड़ते हुए देखा है और बूंद के झाग के रूप में पक्ष को देखा है, तारों के बीच खड़ी युवती के रूप में झिलमिलाते हुए और आकाश बीच आकाश में चंद्रमा जो कि राधा के प्रतिबिंब के रूप में इन रूप
राजकीय सुंदरता का वर्णन। अब है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार। उत्तर है कि कवि कहते हैं कि आकाश के बीचों बीच चंद्रमा ऐसा लग रहा है कि राधिका दर्शन में अपना मुख देख रहे हैं। यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के मुख से करी है और पंक्ति के आधार पर चंद्रमा का प्रतिबिंब है और राधा का मुख चंद्रमा से भी ज्यादा उज्जवल है। अतः इस पंक्ति में व्यक्तिरेक अलंकार है। व्यक्तिरेक अलंकार क्या है? जब प्रस्तुत उपमेय की तुलना अप्रस्तुत उपमान से की जाती है परंतु उपमेय उपमान की अपेक्षा भी हो जाता है तब व्यक्तिरेक उपमान होता है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे बच्चों तब हम इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। फिर प्रश्न तीसरे कवि के आधार पर बताएंगे कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया। तो तीसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। इसमें है स्फटिकशिला, दही का समुद्र, धूल का फेंक, तारे और दर्पण आदि। अब है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की प्रावधान विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि रीतिकालीन दरबारी कवि की तरह ही कवि देव ने वैभव और सौंदर्य का वर्णन किया। हमने भी विकल्पित प्रश्न में पढ़ा था कि देव कैसे कवि है। तो देव एक दरबारी कवियों की तरह है रीतिकालीन। प्रकृति वर्णन में उपमानों का प्रयोग किया है। कवि देव ने अन्य कवियों से अलग उपमानों का प्रयोग किया। ब्रज की भाषा का वर्णन किया है। उपमा रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों का यथासंभव अलग अलग स्थानों पर उसका भी प्रयोग किया है। फिर नायिका का सौंदर्य वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से करी है। फिर सवैया और कवित्व तत्कालीन रीतिकाल के प्रचलित छंदों का भी इन्होंने बहुत अधिक वर्णन किया है। तो बच्चों आज ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपियों में अपने इनको नोट करेंगे।